राउत ने नीतीश कुमार के पाला बदलने पर बीजेपी पर तंज कसा है। उद्धव गुट के सांसद ने ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। नीतीश कुमार के महागठबंधन और विपक्षी दलों के इंडिया में गठबंधन से अलग होने पर भी राउत ने बीजेपी पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया है। आइए आपको बताते हैं क्या बोले संजय राउत। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि नीतीश कुमार को तोड़ो, शिवसेना को तोड़ो, हेमंत सोरेन पर छापेमारी करो, केजरीवाल पर भी छापेमारी करो, ये नौटंकी क्यों चल रही है? 400 सीटें क्या 200 सीट भी नहीं पार कर पाएंगे? आप हारने जा रहे हैं, आपको भगवान राम भी नहीं बचा पा रहे। अपने भाई के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर भी संजय राउत बोले। संजय राउत ने आगे कहा कि ईडी बीजेपी का एक शाखा है जो बीजेपी ने कोविड के समय में खूब घोटाले किए, लेकिन कोविड में मैं और मेरे भाइयों ने मुफ्त में खिचड़ी खिलाया और अब हमारे परिवार के लोगों को झूठे घोटालों के आरोप में फंसाया जा रहा है। खिचड़ी घोटाले में ईडी ने आज संजय राउत के भाई संदीप राउत को पूछताछ के लिए बुलाया है। हमारा बॉस ऊपर वाला है, वो सब कुछ देख रहा है। हम डरते नहीं, हम जाएंगे और जांच में सहयोग भी करेंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत के भाई संदीप राउत को 30 जनवरी को मंगलवार को एजेंसी ने कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था। सूरज चाहवाड़ पर आरोप लगाया गया था कि कोविड-19 में महामारी के दौरान प्रवासियों श्रमिकों को खिचड़ी खिलाने और उसमें हुए वितरण से जुड़ी 1 करोड़ की वित्तीय अनियमितता को शामिल पाया गया है। पिछले साल जून में ईडी ने सूरज चाहवाड़ को आवास सहित मुंबई के 15 स्थानों पर छापेमारी की थी और घोटाले के संबंध में दस्तावेज भी बरामद किए। अब ऐसे में देखना होगा कि ईडी की तलवार इन पर कितनी लटकती हुई मिलती है। क्या संजय राउत और उनके भाई खुद को बचा पाएंगे या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम।